बेगमगंज सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। धर्म की अलख जगाने रामलला को अपने सिर पर टोकरी में बिठाकर अयोध्या से जिला खरगोन 1350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं कर्मयोगी संत विभूजी महाराज। राम जन्मभूमि अयोध्या से 19 दिसंबर को सनातन धर्म की अलख जगाने के लिए कर्मयोगी संत विभूति जी जय कृष्ण जी शर्मा 35 दिन की यात्रा के बाद रविवार की सुबह 11 बजे सुल्तानगंज पहुंचे। भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह यादव, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र यादव आदि लोगों ने मणिया गुसाई गांव में उनके अनेक भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। कर्मयोगी संत विभूति महाराज ने कहा है कि हमारी यह यात्रा सनातन धर्म की अलख जगाने के उद्देश्य से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से शुरू की गई है, जो 1350 किलोमीटर पैदल चलकर जिसका समापन जिला खरगोन के भंडलैन गांव में आश्रम पर जाकर समापन होगा। रायसेन सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। नई शराब नीति को लेकर विदिशा जिला मुख्यालय में आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के निर्देश अनुसार आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार की नई शराब नीति के विरोध में एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा गया, जिसमें समस्त ब्लॉक जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस पदाधिकारी प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारी जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस NSI पिछड़ा वर्ग किसान कांग्रेस अल्पसंख्यक कांग्रेस सहित समस्त मोर्चा के संगठन मौजूद रहे और दिया ज्ञापन नई शराब नीति को लेकर के। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।